खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से आ रही है, जहां रविवार को थाना क्षेत्र के सोतगामा में आग लगने से 3 लोगों के 5 घर जलकर राख हो गए, जिसमें से 2 भुस्कार एक मोटरसाइकिल सहित लगभग 5 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी अनुसार रविवार की रात लगभग 11:30 बजे सोतगामा पंचायत के वार्ड 7 सहनी टोला में सीता सहनी, कृष्ण सहनी और राम बहादुर सहनी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में सफलता पाई गई। पहनने तक के कपड़े नहीं बचे हैं। इस आग में तीनों परिवार के नगद 80,000 रूपए, 9 मन चावल, 12 मन गेहूं, 25 मन धान, 2 भुस्कर, एक मोटरसाइकिल, घर में रखा हुआ फर्नीचर, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, जरूरी कागजात जलकर राख हो गए हैं। रिंकू देवी ने बताया कि आग में फंसे बच्चों को बचाने में मेरा दायना हाथ आग की चपेट में आने से पूरी तरह झुलस गया है। इनके सामने खाने पीने और पहनने के कपड़ों तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्मचारी को घटनास्थल का जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। कैसे क्या घटना हुआ है? 12 बजे रात में आग अपने आप उधर लिया बिजली के तार से। मेरे दोस्त के आए उधर से पानी लेके, घर बचाने के लिए वो घर बचाए हैं और बाकी बात सब जल गया। किनका घर था ये? ये कृष्ण सहनी का घर, राम बहादुर सहनी का। कितने आदमी का घर था यहाँ पे? 2 आदमी का। और टोटल कितना घर था? टोटल कितने घर में आग लगा? 5 घर में। 5 घर में। तो कैसे बुझाया गया इस आग को? पानी से, ग्रामीण के सहयोग से ही बुझाया गया। कितने का क्षति हुआ होगा? कम से कम 5 लाख का। 5 लाख का। क्या क्या जल गया इसमें? सारा गहना जेवर, सारा पैसे कौड़ी, सारा कुछ जल गया। मोटरसाइकिल भी जला। मोटरसाइकिल भी जल गया। क्या नाम बताया अपना? सुनील सर जी। हाँ। कैसे जल गया? बिजली से। बिजली से? क्या बजे रात में? 12 बजे। कितना घर था? 5 घर। पांचों का पांचों जल गया? पांचों का पांचों घर। क्या 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 सामान जला उसमें? जेवर, रुपया, नगदी। हाँ। सारी कपड़ा लगता, गहना गिरती, एक सामान नहीं खिला पाया। बच्चा कोई करने में उनको भी और जिनका बांह जला है वो कौन है आपके? पुतौ हैं। क्या नाम है उनका? रिंकू देवी। आपका क्या नाम है? सीता सहनी। ये आप ही का घर था? हाँ। कितना घर था? 3 गो हम। और सब बच्चे उच्चे का था? इसकी सूचना आप दिए थे प्रशासन को ना? मुखिया जी वगैरह को बोले थे? हाँ हाँ। अच्छा, क्या बोले मुखिया जी? हम आ रहा है कि नाम कृष्णा साह हुआ सर। कैसे क्या घटना हुआ है सर? रात में जब 12 बज रहा था, 12:05 पर, इसमें देखे जो कि धुआं उतर रहा, हमारा बगल में 2 नंबर वार्ड में हुआ मतलब घर, तो दौड़ करके आए तो बहुत तेज रफ्तार में आग लगी हुई थी यहाँ पर। अच्छा। जो कि आने के बाद में देखे जो कि लाइन भी थी, हम लोग उसमें टाइम में प्रशासन को भी कॉल किए और फायर ब्रिगेड वाले के भी कॉल किए और बिजली वाले के भी कॉल किए, तो बिजली वाले ने लाइन काटा। उसके बाद सारे जनता यहाँ के जो भी है जुट करके उसको बुताया गया और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस घर में क्षति हुआ। पैसे कौड़ी से लेकर के अनाज पानी तक सारा सामान जल करके बर्बाद हो गया। एक बच्ची जल रही थी जो कि उस लड़की को बचाने के चक्कर में उसकी माँ भी कुछ जल गया। उसके बाद में बच्ची सुरक्षित है ना? हाँ, बच्ची अभी तक सुरक्षित है, उसकी मम्मी जो है जली हुई है। अच्छा। बुरी तरह से ये अंग जो है सर जला हुआ है उसका। जी। क्या मतलब जो है सर, कितना का क्षति हुआ होगा? क्षति लगभग सर यहाँ तो लगभग लग रहा है जो कैश 80,000 रुपया जल चुका है सर। अच्छा जी। मोटरसाइकिल जल चुका है सर, अनाज जल चुका है, लगभग क्षति यहाँ का हम ब्यौरा बता रहे हैं 5 लाख से ऊपर का क्षति है सर यहाँ का। कितने घर में आग लगी थी? 4 घर में आग लगा। 2 भुस्कार भी जल गया जो कि मोमेसी का, उसमें भोजनालय था, वो भी जल के खाक हो चुका सर। मैं आपका कस के बोलिए, कैसे क्या हुआ था घटना? बच्चा निकाल गया था तो वैसे कहाँ जल गया? घर में। क्या सब जला है हाथ? पूरा बांह जल गया है। कैसे मतलब आग लग गया? करंट से, बिजली से, शॉर्ट सर्किट से। कितने बजे रात्रि में हुआ है? 12 बजे। तो आग कैसे बुझाया गया? मोटर गिरा दिलखिन तब।
ग्रामीण लोग सब आए थे यहाँ पे। R9 भारत के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट समस्तीपुर से। आकर्षक झांकी के साथ निकाली गई भोलेनाथ की बारात यात्रा। खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति धाम से आ रही है खबर, जहां महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह का प्रस्तुतिकरण श्रद्धालुओं के लिए शिव आस्था का केंद्र होता है। विवाह को लेकर सोमवार को मंदिर प्रांगण से भक्तिभाव से भरे शिव की बारात की झांकी निकाली गई। इसे अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार व DSP दिनेश कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विदा किया। देवाधिदेव शिव की बारात को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। महिलाएं सड़क के किनारे व अपने घरों के छत के ऊपर की एक झलक के लिए बेताब दिखी। वेद पुराण में वर्णित बारात को झांकी में देखने का अवसर श्रद्धालुओं को मिलने से उनके आस्था को पंख मिलने की बात चर्चा हो रही है। बारात में मुखौटम में देवता के रूप में रथ पर सवार भोले शंकर, राम कुमार भगत, अजीत कुमार ऋषि, शंकित कुमार मुनि आदि लोग थे। मानता है जो भक्त और भगवान का यह धरती है, जहां माँ गंगा विद्यापति धाम में आई थी रौता नाला फोड़ कर, और विद्यापति धाम का ये महत्व है कि 100 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं कि जो मांग यहाँ पर किया जाता है विद्यापति धाम में पूरा होता है। विद्यापति धाम जो है वो उत्तर बिहार का गौरव है और विद्यापति धाम ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ विद्यापति धाम से स्टेशन है, विद्यापति धाम से स्टेट बैंक है, विद्यापति धाम से ब्लॉक है, और विद्यापति धाम में दूर दराज से आए श्रद्धालु का श्रद्धा को पूरा होता है। यह श्री संगम है। कब से यह आयोजन किया जाता है? यह आयोजन जो है से वर्षों से किया जा रहा है, 50 वर्ष पीछे से हम लोग करते आ रहे हैं। क्या क्या प्रोग्राम का व्यवस्था? प्रोग्राम यहाँ होता है पूरे, यहाँ की घोड़ा ऊँट वगैरह और सारे समाज के लोग बुजुर्ग इसको मनाते हैं। बड़ी पर्व हर्ष उल्लास के साथ विद्यापति धाम में मनाया जाता है और इसका कार्यक्रम आज तो झांकी है, कल भोलेनाथ का शादी बाकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश पासवान हुआ, जिला प्रधान महासचिव लोजपा। यहाँ से प्रस्थान हो रही है, कहाँ से कहाँ तक ये बड़ा जा रही है? ये विद्यापति नगर से गामा होते हुए सराय तक जाएंगे, पुनः विद्यापति धाम में वापस होंगे। विभिन्न धर्मावलंबियों शिवजी के पुजारियों का ये पूजनीय स्थान है। प्रत्येक वर्ष वर्षों से ये ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। सतयुग में मिथिला प्रदेश में सर्वप्रथम प्रथा के अनुकूल पूजा होती है। शिव जी और पार्वती जी का ये प्रमुख स्थान है। इनकी इनके आगे इनके समागम में लोगों का कल्याण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्तीपुर से रत्न शंकर भारद्वाज।